8 सितंबर सन 2021 को DSSB TGT उर्दू का जो इम्तिहान हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है। तो चलिए हम लोग DSSB TGT की आंसर की को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे उर्दू के कितने सवाल सही हुए हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि जज्बे इश्क इसका सने तालीफ क्या है। तो 1798 में जज्बे इश्क जो तसनीफ है वो लिखी गई। अगला सवाल कि किसने अपने अफसानों में हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है। तो राजेंद्र सिंह बेदी ने हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है अपने अफसानों में। अगला सवाल कि मोम की मरियम ये तसनीफ किसकी है। तो जीलानी बानू ने लिखी थी मोम की मरियम। अगला सवाल कि अफसाने को एक नशिस्त में ख़त्म होना चाहिए ये जो कौल है किसका है। तो एडगर एलन ने कहा कि अफसाने को एक नशिस्त में ख़त्म हो जाना चाहिए यानी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अली नामा ये मसनवी है किस दौर के बादशाह के वाक़यात इसमें बयान किए गए हैं। तो अली आदिल शाह के दौर के वाक़यात मसनवी अलीनामा में बयान किए गए हैं। उर्दू की नसरी दास्तानें ये किसकी तसनीफ़ है। तो ज्ञानचंद जैन ने लिखा उर्दू की नसरी दास्तानें। अगला सवाल कि बाजारे हुस्न ये किस नसरी सिनफ से ताल्लुक़ रखता है। तो बाजारे हुस्न ये नावल है किसका मुंशी प्रेमचंद का। टेढ़ी लकीर में कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है। टेढ़ी लकीर ये अफसाना है इसमें चुगताई का। इस अफसाने का जो मेन कैरेक्टर है मेन लीड जो है वो सुमन है यानी सुमन के इर्द गिर्द टेढ़ी लकीर कहानी घूमती है। आग का दरिया के आगाज में किस शायर की नज्म का टुकड़ा दर्ज है। कुरतुलैन हैदर की नावल आग के दरिया के शुरू में ही TS एलियट की नज्म दर्ज है। नसरुद्दीन हाशमी की किताब का नाम क्या है। दक्कन में उर्दू नसरुद्दीन हाशमी की किताब है। उर्दू नसर का बाकायदा आगाज कहाँ से हुआ। तो दक्कन से हुआ था। नौ तर्ज़ मुरस्सा किसकी तालीफ है। तो नौ तर्ज़ मुरस्सा मीर हुसैन अता हुसैन खां तहसीन की है। अता हुसैन खां तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा है। इसी किताब को मद्देनज़र रखते हुए मीर अमन ने अपनी बागो बहार लिखी थी जो कि फारसी के किस्से चहार दुर्वेश का तर्जुमा है। अगला सवाल कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। कई बार मैंने बताया भी है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी लश्कर के हैं। दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने किस दौर में मिलते हैं। तो बहमनी दौर में उर्दू के अव्वलीन नमूने मिलते हैं। मिरतुल उरूस किसकी तसनीफ़ है। तो मिरतुल उरूस को उर्दू का पहला नावल माना जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है। रेख्ता किस ज़बान को कहा जाता है। तो उर्दू का ही पुराना नाम है रेख्ता। बागो बहार पहली बार किस सन में शाये हुई। तो मीर अमन ने लिखा था बागो बहार सन 1803 में पहली बार ये शाये हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है। कलकत्ता में है। लॉर्ड वेलेसली के हुक्म पर सन 1800 ईस्वी में ये बनाया गया था। अगला सवाल ये कि गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है। तो कुरतुलैन हैदर का नावल है आग का दरिया उसका किरदार है गौतम नीलंबर। फिरदौसे बरी ये किसका नावल है। तो अब्दुल हलीम शरर की नावल है फिरदौसे बरी। तारीख़ अफ़गानिस्तान किसकी तसनीफ है। सैयद फिदा हुसैन की है। किस नसरी सिनफ को जहन का आज़ाद तरंग कहा जाता है। इंशाइया को जहन का आज़ाद तरंग कहा जाता है। रिपोर्टाज को हम वाक़यात की अदबी और महाकाती रिपोर्ट कह सकते हैं। ये जुमला किसका है। तो प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का है। आगा हश्र और उर्दू ड्रामा ये तसनीफ़ किसकी है। अंजुमन आरा की है। नुसरती का पूरा नाम है मोहम्मद नुसरत नुसरती। उर्दू के पहले ड्रामा का नाम क्या है। तो इंद्र सभा अमानत लखनवी का उर्दू का पहला ड्रामा माना जाता है। इब्ने निशाती किसके किस दौर के शायर हैं। तो ये कुतुब शाही दौर के शायर हैं इब्ने निशाती। काली सलवार किसकी तसनीफ़ है। सदसन मंटू का ये अफसाना है। झींगर का जनाजा ये किसकी तसनीफ़ है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है।
इब्तिदा में सफरनामे को किस नाम से जाना जाता था? तो तारीख के नाम से जाना जाता था सफरनामा को शुरुआत में। अगला सवाल है कि इंशाइया के इब्तदाई नुकूस किस किताब में नजर आते हैं? तो सबरस में इंशाइया के इब्तदाई नुकूस देखने को मिलते हैं। कौन सा अफसाना प्रेमचंद का है? तो नमक का दरोगा सब लोग जानते हैं प्रेमचंद का। ड्रामा अनारकली की पहली अशात कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। मौलाना अब्दुल्ला सिंधी का सफ़रनामा काबुल में 7 बरस किस वर्ष शाये हुआ था? तो 1921 में सफ़रनामा काबुल में 7 बरस ये शाये हुआ था। सफ़रनामा सैरे ईरान किसका है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अगला सवाल ये है कि कुतुब खाना जंगी का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? तो ड्रामा से है। सफ़रनामा रूमो मिस्र शाम ये किसका सफ़रनामा है? शिबली नुमानी का है। हॉस्टल में पढ़ना ये किसका है? तो पतरस बुखारी की तसनीफ है हॉस्टल में पढ़ना। ड्रामा मीठी छुरी किसकी तसनीफ है? आगा हश्र कश्मीरी की। अगला सवाल यह है कि तारीख़ यूसुफी की पहली अशात किस सन में हुई? 1847 में। मसनवी है बकट कहानी इसके मुसन्निफ़ कौन है? अफजल पानीपत हैं। खाकानी हिंद किसे कहा जाता है? ज़ौक को कहा जाता है। मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ क्या है? तो मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ यह है कि हर शेर के मिसरे जो होते हैं वो हम काफिया होते हैं। अगला सवाल ये रहा कि हयाते सादी किस सन में लिखी गई? हयाते सादी हाल ही ने लिखी 1884 में। किस जबान से कसीदा उर्दू में आया? तो फारसी जबान से उर्दू में कसीदा आया था। सफ़र आशना किसका सफ़रनामा है? गोपी चंद नारंग का है। काजी अब्दुल गफ्फार का सफ़रनामा नक्शे फरंग जो है ये पहली बार किस सन में शाया हुआ? 1922 में। कसीदा किस जबान का लफ्ज़ है? अरबी जबान का लफ्ज़ है कसीदा, जिसके माने कसद करने के, इरादा करने के। मसनवी जहरे इश्क किसकी तसनीफ है? मिर्ज़ा शौक की है। दास्तान गदर किसकी तसनीफ है? ज़हीर दहलवी की है। उर्दू में सवानह निगारी की बुनियाद किसने रखी? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने रखी। सिलसिले रोज़ो शब ये किसकी खुद नविस्त है? तो सालेहा आबिद हुसैन की खुद नविस्त है सिलसिले रोज़ो शब। कसीदे की कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में हैं, मदहिया और हिजविया। सर सैयद रज़ा अली की आप बीती का क्या नाम है? आमाल नामा है। तोती नामा मसनवी कहाँ लिखी गई? गोलकुंडा में लिखी गई। ज़ौक़ की वफ़ात किस सन में हुई? तो 1854 में ज़ौक़ की वफ़ात हुई। यादगारे गालिब ये किसकी तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। ख्वाजा हसन निज़ामी की आप बीती किस सन में शाये हुई? तो 1919 में ख्वाजा हसन निज़ामी की आप बीती शाये हुई थी। उर्दू में कसीदा नगारी का आगाज़ कहाँ से होता है? दक्कन से होता है। हयात जावेद किसकी है? तो हयात जावेद सवाने है किसकी? सर सैयद अहमद ख़ान की, लेकिन तसनीफ़ है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। मुसद्दस वो नज़्म है जिसके हर बंद में कितने मिसरे हों? 6 मिसरे हों। मीर अनीस का असल नाम मीर बब्बर अली अनीस। मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 हैं। मरसिया किस जबान का लफ्ज़ है? अरबी जबान का लफ्ज़ है, लफ्ज़ रिसा से बना है। मरसिया दहली मरहूम, मरसिया दहली मरहूम ये किसका मरसिया है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। मिर्ज़ा दबीर किस सन में पैदा हुए? 1803 में। दीनो सियासत किसकी नज़म है? इकबाल की नज़म है। मतला किसे कहते हैं? गज़ल का जो पहला शेर हो उसको मतला कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। गज़ल किस जबान का लफ्ज़ है? अरबी जबान का लफ्ज़ है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है? तो कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। फ़ानी बदायूनी ने पहली गज़ल कब लिखी थी? 1890 में लिखी थी। कौन सा जुज मरसिया के अज्जाए तरकीबी में शामिल है? तो शहादत ये मरसिया का अज्जाए तरकीबी है। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा
किस साल हुई? तो 1935 में लंदन में हुई थी। मुल्क राजा आनंद सज्जाद जहीर वगैरह थे। चलिए मजमूए नज्म हाली, मजमूआ नज़्म हाली में शामिल नज़्म हाली ने कहाँ पढ़ी थी? तो अंजुमन पंजाब के मुशायरों में पढ़ी थी। इकबाल के किस मजमूए में नज़्म मिर्ज़ा गालिब शामिल है? तो बांगे दरा में। मसनवी यूसुफ जुलेखा किसकी तसनीफ़ है? तो मीरा हाशमी की है। गज़ल बजा तौर पर उर्दू शायरी की आबरू है। ये कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अगला सवाल कि रूहे कायनात किसका शेरी मजमूआ है? फिराक गोरखपुरी का। मीर हसन के मसनवी सब लोग जानते हैं, सारुल बयान है। और फ़ानी बदा यूनी का पूरा नाम क्या है? शौकत अली खान है। अंजुमन पंजाब कब कायम हुई? 1865 में कायम हुई थी। अगला सवाल ये कि आदिल शाही ख़ानदान की सल्तनत का आगाज़ किस सन में हुआ? तो 1490 में हुआ। अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? तो 19वीं सदी की तहरीक है। अगला सवाल है कि बहमनी सल्तनत का जवाल किस सदी में हुआ? 15वीं सदी में हुआ। दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है? नूरुल हसन हाशमी की तसनीफ़ है। प्रोफेसर अबुल लैस की तसनीफ़ कौन सी है? तो लखनऊ का दबिस्तान शायरी ये प्रोफेसर अबुल लैस की तसनीफ़ है। अल्लामा शिबली के मजामीन किस नाम से शाये हुए? तो मकालात शिबली के नाम से शिबली के मजामीन शाये हुए थे। दो अदबी स्कूल किसकी तसनीफ़ है? अली जवाद जैदी की तसनीफ़ है। मोहम्मद शाह तुगलक ने किस सदी में दखन को पाया तख्त बनाया था? 14वीं सदी में। दिल्ली से दौलताबाद इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। अगला सवाल जो है वो ये है कि सर अब्दुल कादिर किस रिसाले के मुदीर थे? तो रिसाला मखजन के मुदीर थे सर अब्दुल कादिर। तो उर्दू के जो सवालात टीजीटी में पूछे गए थे यहाँ पे हमने आपके सामने डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।